हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक गुरु मुकेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 38 mm विड्थ इंटू 25 mm हाइट इंटू टू अप्स जो लेबल है वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं बारटेंडर सॉफ्टवेयर में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से बारटेंडर ओपन कर लेंगे। बारटेंडर ओपन करने के बाद आप फाइल में जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपके सामने किस तरह का विंडो आ जाएगा। आपको ब्लैंक टेम्पलेट के ऊपर क्लिक रहने देना है। यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने प्रिंटर का एक लिस्ट आ जाएगा। आपको यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपके सामने किस तरह का विंडो आएगा, उसको भी आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिंगल आइटम पर पेज दिखा रहा है। आपको मल्टी कॉलम में लेना है, मल्टी कॉलम कर लेंगे। रो हमारा एक ही रहेगा, हमारे जो कॉलम्स है वो चेंज हो जाएंगे। इसको हम दो कर देंगे। यहाँ पे दो करने के बाद इसको हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम ये जो ऑटोमेटिकली अनयूज एरिया दिया हुआ है, आपके लेबल के रोल में भी आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट में इस तरह का एक अनयूज एरिया दिया होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक विंडो आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, लेबल का विड्थ और लेबल का हाइट। अब देखिए, हमारा जो लेबल का साइज़ है वो 38 × 25 mm का साइज़ है और वो टू अप्स में है विद गैप में, मतलब 38 mm का इसका विड्थ है और 25 mm का इसका हाइट है। और ये दो अप्स में लेबल है, एक लेफ्ट में एक राइट में, और इसके बीच में जो है एक गैप है 3 mm का गैप। तो हम इसको इंचेस में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे और इसको हम इंचेस में ही यहाँ पे डालेंगे। 3 mm गैप लेके हम यहाँ पे इसका साइज़ जो है वहाँ यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे जो इसका साइज इंचेस में हो जाएगा वो हो जाएगा 3.16। ये इसका साइज हो जाएगा इंचेस में पूरे विड्थ का। इसके बाद जो इसकी हाइट है वो है हमारा 25 mm। तो 25 को अगर हम इंचेस में कैलकुलेट करते हैं तो वो वन इंचेस आता है। तो इसको हम वन कर देंगे यहाँ से। ओरिएंटेशन हमारा यही रहने देंगे और बाई डिफ़ॉल्ट यही रहेगा। और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे हम। आपके सामने देखिए लेबल का एक किस तरह का फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। लेबल का जो पिक्चर है आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा शेप दिया हुआ, शेप बाय डिफ़ॉल्ट हम राउंडेड में यही रहने देंगे, राउंडेड शेप ही रहने देंगे। इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए हमारे लेबल्स के जो बीच में है यहाँ पे, जहाँ पे आप मेरे माउस का कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा 3 mm का गैप है। अब उस 3 mm गैप को हमें यहाँ पे डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे गैप का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है गैप स्लैश पिच, इसके ऊपर सेट मैन्युअली के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो हमारे लेबल के बीच में गैप दिया हुआ है वो 3 mm दिया हुआ। उस 3 mm गैप को जो है हमें यहाँ पे इंचेस में डालना है। तो इंचेस में इसका जो साइज़ हो जाता है वो हो जाता है 0.12। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 0.12 डाला, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली साइज़ जो है वो ले लिया है। अब यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। आप देखिए प्रीव्यू में यहाँ पे लेबल 1 और 2 दिखा रहा है। इसको भी हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, इसको भी हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे लेफ्ट में हमारा प्रिंटर और लेबल का साइज़ दिखा रहा है और यहाँ पे हमारा प्रीव्यू में हमारा एक्चुअल लेबल का साइज़ यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ से इसको फिनिश करेंगे। जैसे ही आप फिनिश करेंगे आपके सामने आपका लेबल जो है क्रिएट हो गया आ जाएगा। अब आप यहाँ से अपना टेक्स्ट ले सकते हैं, यहाँ से आप अपना चाहे तो बार कोड ले सकते हैं, जो भी आपको बार कोड डालना है वो बार कोड आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं और जितनी आपको प्रिंट देना है आप यहां से प्रिंट के आइकन के ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे। जितने भी आपको कमांड प्रिंट करने हैं, सपोज कीजिए 10 कमांड प्रिंट करने हैं, तो आप 10 के कमांड यहां पे इसको देंगे और सीधा आप यहां से प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपका जो भी डाटा है, जो भी लेबल का फॉर्मेट है, वो आपके प्रिंटर के ऊपर प्रिंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।